बागोपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में कई कार्य चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य, स्मार्ट रोड बनाने का कार्य, वो तमाम कार्यों को शहर में एक साथ शुरू कर दिया गया है। परंतु कई जगह वुडको कंपनी ने बड़े बड़े गड्ढे कर उसमें बैरिकेडिंग तक की व्यवस्था नहीं रखते हैं। कभी भी अनहोनी हो सकती है। राहगीरों को, स्कूल के बच्चों को इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण किया जा रहा है, चाहे वह नाथनगर सीटीएस ग्राउंड के आसपास का क्षेत्र हो या फिर शहरी घरी आबादी वाला क्षेत्र हो। नल जल हर घर नल जल योजना के तहत जहां भी कार्य हो रहे हैं उस गड्ढे को किसी तरह बुडको कंपनी सिर्फ काम चलाने वाली बात करते दिख रही है। हालांकि जिलाधिकारी ने बताया है कि जब कहीं भी डेवलपमेंट का कार्य होगा तो थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन कम से कम लोगों को परेशानी हो इसका ध्यान रखा जाए। वहीं उन्होंने बताया कि शहर के कई सड़कों का चौड़ीकरण भी करना है, जिससे जाम की समस्या व फुटपाथ की समस्या खत्म हो सके। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आने में तो परेशानियां होती है, तो इसमें कुछ आप बैरिकेटिंग भी नहीं दिलवाए हैं, ऐसा क्यों सर? ये पता नहीं किसके द्वारा कराया गया है, इस जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश किया गया। तो बताते हैं कोई गंगा परियोजना वाला है, गंगा का पानी आना के कुछ उस पर जाँच करेगा, ये करेगा, मतलब कोई प्रयोगशाला बनने वाला है या कुछ है, और पाइप बिछाने की बात है, जबकि सारा पाइप जो है दोनों साइड में बिछा दिया गया है, प्लस केबल का भी काम सारा रोड के बीच में कर दिया गया है, लेकिन मेरे स्कूल के गेट से लेकर के मेन रोड तक के बीच में दोनों साइड में मैंने उन लोगों को सीटीएस की ही ज़मीन आती है, लेकिन रोड के बगल में एकदम रोड से सटे हुए कोड़ दिया गया है। कौन करवा रहा है कुछ जानकारी में नहीं है। अगर करवाना है तो ठीक है, कम से कम प्रोटेक्शन लगाए, 7 से 8 फीट गड्ढा कर दिया गया, बच्चे का आने जाने का यह है, स्कूल का समय रहता है, तो दिक्कत ये होती है कभी गिर जाए बच्चा या कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की बात है। तो मेरा ये कहना है कि उस पर प्रोटेक्शन कुछ ये दिया जाए कि प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है कि बच्चे को किसी तरह का दुर्घटना ना हो, अगर कोई इस पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कई सारा काम चल रहा है शहर में, देखिए काम जब होगा तो समस्याएं कुछ जो है वो आएंगी। जैसे स्मार्ट सिटी में आपका अभी स्मार्ट रोड का काम होना है, इसमें भी पहले था कि जो एग्जिस्टिंग रोड था उसका डेवलपमेंट था। इसमें मेरे द्वारा ये सुझाव दिया गया और प्रधान सचिव महोदय जब आए तो उन्होंने देखा भी कि ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें रोड का जो स्कोप हमारे पास अवेलेबल है उसका अगर हम चौड़ीकरण करते हैं तो तिलका मांझी चौक से चारों तरफ, तिलका मांझी से कलेक्ट्रेट की तरफ, तिलका मांझी से जीरो माइल की तरफ, बरारी रोड हो या फिर आपका कमिश्नर सर का जो ऑफिस है, जहाँ जो स्पेस अवेलेबल है 1 से 1.5 मीटर का, उसके चौड़ीकरण का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है और उसमें टेक्निकल सैंक्शन भी मिल गया है। बोर्ड की मीटिंग जैसा मैंने बताया कि आचार संहिता के कारण नहीं हो पाई अप्रैल के महीने में और भी कुछ कारणों से, तो बोर्ड की मीटिंग होगी और उसमें प्रधान सचिव महोदय ने यह आश्वस्त किया है कि वो जो रिवाइज एस्टिमेट है, जो टोटल कॉस्ट है उसके 10% से नीचे है, तो वो बोर्ड की मीटिंग में अप्रूव हो जाएगा और पूरे शहर में जो तिलका मांझी चौक जो एक मेन सेंटर है उसके चारों तरफ 1 से 1.5 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो देखने को मिलेगी। जो बरारी रोड है ये एक अल्टरनेट बाईपास की तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सीधे कनेक्टिविटी इसकी जो है विक्रमशिला पुल से देने का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में जो मेन समस्या है वो जलापूर्ति योजना को लेकर के, एक बार एजेंसी को ऑलरेडी हटाया जा चुका है, दूसरी एजेंसी आई है विभिन्न कारणों से, इसके भी कार्य में जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है और इसकी उच्च स्तर पर भी लगातार समीक्षा हो रही है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है, विभाग का प्रयास है कि अब इस परियोजना में लेट देर ना हो और जो एग्जिस्टिंग एजेंसी है उसकी ही हैंड होल्डिंग करके, उसको सपोर्ट करके उससे काम करवाया जाए ताकि जो हर घर नल का जल का कनेक्शन है भागलपुर नगर निगम में वो यथाशीघ्र उपलब्ध हो, जिसमें इंटेक वाल वगैरह ये सब भी बन रहा है तेज़ी से, जो जल शोधन के लिए संयंत्र है उस पर भी काम चल रहा है और पाइपलाइन का काम जो है उसके लिए मेनली सड़कों को खोदा गया है, तो बहुत सारी सड़कों को हम लोगों ने रिस्टोर भी कराया है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले बार काली पूजा के समय में, तो दोनों पक्षों को देख रहे हैं कि काम भी हो और जो रिस्टोरेशन का पार्ट है, एजेंसी के पार्ट में दिक्कत है, उसकी कई समस्याएं हैं, उससे हम लोग अवगत हैं, उससे विभाग को भी अवगत कराया गया है, पुनः हम लोग नगर आयुक्त के आने के बाद एक समीक्षा करेंगे और हम लोग स्पेसिफिक टारगेट देंगे कि इतना मीटर या इतना किलोमीटर इतने दिन में कंप्लीट कराना होगा, उसकी सघन मॉनिटरिंग हम लोग फिर शुरू कराएंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से एजेंसी को करना चाहिए ये उनका खुद का काम है, उस तरीके से वो कर नहीं पा रही है,
और अगर इसमें लापरवाही बढ़ती जाएगी तो फिर हम लोग काम को बंद करेंगे 15 दिन 20 दिन के लिए, कि जब तक वो सड़क को रिपेयर नहीं कर देते हैं तब तक फिर वो नया कहीं